कटोरी कच्चा मार्केट में मिलता है बड़े आराम से। ये आप देख सकते हो इस तरीका से, ये एबीसीडी है हमारी, ये भी मार्केट में आराम से मिल जाती है। ये चाउमीन है हमारी जो कि आप मार्केट में देखते हो गए, बड़े आराम से मिल जाती है। और यहाँ पर ये हमारा पास्ता है। तो इन्हीं सबों की हम मैन्युफैक्चरिंग करके आपको दिखाएंगे इनका प्रोसेस कैसे होता है और ये पाउच में कैसे फिल होते हैं। आप देख रहे हो ये राम जी के नाम से ही तीनों प्रोडक्ट है। तो ये एक अपनी खुद की ब्रांड है जो सर ने लगाई हुई है। तो हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो उनकी खुद की ब्रांड का प्रोडक्शन दिखाएंगे, कैसे वो अपना अपनी ब्रांड में पैक करके मार्केट में। हेलो दोस्तों, देखिए पिछली वीडियो में हमने बात की थी अपने रोस्टेड प्रोडक्ट के बारे में कि वो कैसे बनते हैं, कौन कौन सी मशीनें लगती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने फ्राई वाले प्रोडक्ट के बारे में कि ये फ्राई वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे ये बनाए जाते हैं और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि इसको आप कहीं भी अपने छोटे से घर से लगा सकते हैं, इसके लिए आपको कोई लंबे चौड़े जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, जो रोस्टेड वाला प्रोडक्ट है वो आपका 3 फेज का है, 20 किलो वाट का। तो इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आप इसको अपने घर की बिजली पे ही चला सकते हैं। अगर आपके पास कोई कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं है तो आप अपने घर पे जो नॉर्मल बिजली है उस पे ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा, इसको करना बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें कुछ माल तो बने बनाए आपका मिल जाता है। जितने भी फ्राइम्स आइटम है आपके, जैसे कटोरी, चाउमीन, पास्ता, एबीसीडी, यानी कि मार्केट में जितने आपके रोस्टेड प्रोडक्ट चलते हैं उतने ही आपके फ्राई वाले प्रोडक्ट चलते हैं। तो फ्राई वाले प्रोडक्ट में आपके पास्ता, कटोरी, चाउमीन, एबीसीडी, काफी सारे तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं। इसके लिए आपको मशीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कच्चा माल बनाया बनाया कहीं से भी आप ले सकते हैं। अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो हमारे द्वारा संपर्क करके बना बनाया माल ले सकते हैं। अब उसके बाद इसका जो सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ आपको इसको फ्राई करना है, उसके बाद अपने टेस्ट अनुसार फ्लेवरिंग करना है और पैकेजिंग कर देना है। तो 3 प्रोसेस में आपका ये सेटअप स्टार्ट हो जाता है। और जो मशीनें लगती हैं, तो पहले मैं आपको एक बार रनिंग डेमो दिखा देता हूँ कौन कौन सी मशीनें लगती हैं और कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा कटोरी होता है, आप देख सकते हो ये कटोरी कच्चा मार्केट में मिलता है बड़े आराम से। ये आप देख सकते हो इस तरीका से, ये एबीसीडी है हमारी, ये भी मार्केट में आराम से मिल जाती है। ये चाउमीन है हमारी जो कि आप मार्केट में देखते हो गए, बड़े आराम से मिल जाती है। और यहाँ पर ये हमारा पास्ता है। तो इन्हीं सबों की हम मैन्युफैक्चरिंग करके आपको दिखाएंगे इनका प्रोसेस कैसे होता है और ये पाउच में कैसे फिल होते हैं। तो बनाने से पैकिंग तक पूरी प्रक्रिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें हमारी सबसे नंबर वन मशीन होती है इसको फ्राई करने का प्रोसेस। तो फ्राई करने का जो प्रोसेस है हमारा, हमने छोटी सी भट्टी लगाई है, वो इस भट्टी में हम आपको माल फ्राई करके दिखाएंगे कैसे ये फ्राई होता है। तो हम अपना पहला बैच इसमें डालेंगे और कैसे फ्राई होता है वो दिखाएंगे। तो सर इसमें डालो, ये आप देख सकते हो हमने डाल दिया और मात्र 30 सेकंड के अंदर हमारा ये प्रोडक्ट फ्राई हो जाता है। इसमें बहुत ही ज्यादा कम समय नहीं लगता है, मात्र 30 सेकंड के अंदर हमारा एक बैच रेडी हो जाता है। आपने देखा होगा भी छोटा छोटा सा कटोरी एकदम बहुत ही अच्छी क्वालिटी में फ्राई होकर के रेडी हो चुका है। अब हम इस बैच को अपना निकाल के और जो दूसरा प्रोसेस है वो करके आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको चाउमीन फ्राई करके दिखाएंगे कि जैसे हमने कटोरी करा था ऐसे ही हम चाउमीन थोड़ा सा आपको डाल के इसमें दिखाएंगे और ये अपना फ्राई होना शुरू हो जाएगा। प्राइम्स आइटम का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है, मात्र 30 सेकंड के अंदर हमारा प्रोडक्ट फ्राई हो जाता है। अभी जो हमने छोटा सा माल डाला था मात्र आधी किलो, अब आप देख सकते हो कढ़ाई पूरी भर चुकी है हमारी। क्वालिटी आप देख सकते हो, ये जो कच्चा माल है सीधा अहमदाबाद से यहाँ पर आया है। अच्छा, और अहमदाबाद के माल में सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि एकदम क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। अहमदाबाद के माल के अलावा आपको कहीं भी ऐसी क्वालिटी नहीं। सा प्रोडक्ट हमारा आप देख सकते हो, हम आपको पास्ता फ्राई करके दिखाएंगे पास्ता कैसे फ्राई होता है। ठीक है, जो भी माल है हमारे सिर्फ मार्केट से कच्चे मिलते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो और सीधा उनको इस तरीके से फ्राई करना है। 30 सेकंड के अंदर हमारा प्रोडक्ट फ्राई हो जाता है, आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा पास्ता हो गया है। ऐसी क्वालिटी आपको कहीं नहीं देखने मिलने वाली है। आपको हम जो दिखा रहे हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा प्रोडक्ट। जो माल हमने फ्राई करा था अब हम उसको सीधा इस हाइड्रो के मशीन के द्वारा यूज करेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा निकल सके। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल को उसको निकालने के लिए अपने हाइड्रो का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं ऑयल ड्रायर मशीन, जिसके द्वारा एक्स्ट्रा ऑयल को निकाला जाता है। तो हमारा बैच इसमें डालेगा और हम आपको एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल के दिखाएंगे। इसमें कितनी क्वांटिटी डाल सकते हैं सर? इसमें एक बैच में आपका करीब 2-2.5 किलो आएगा। आप देख सकते हो ये जो हमारा टोकरा था इसके अंदर जाली थी, कुछ ऑयल तो हमारा यहीं पर ही निकल जाता है और कुछ ऑयल जब हम आपका इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा हमारा। तो 2 प्रोसेस से हमारा ऑयल निकल जाता है। अब हम आपको मशीन चालू करके दिखाएंगे कैसे ये ड्रायर ऑयल को निकालता है। ठीक है, तो चालू कर दीजिए सर। चला
यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीका से हमारा ये हाइड्रो घूमता है और अलग से हमारा ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। हमारा ड्रायर में जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो हमारी कटोरी आप देख सकते हो, जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकल चुका है। हमारी ड्राई ड्राई कटोरी हमारी बन चुकी है। अब इसको हम अगले प्रोसेस के लिए लेके जाएंगे। तो हम हाइड्रो से सीधा इसको निकालते हैं और हमारा सीधा इसके इस बर्तन में हमारा कटोरी आ जाएगा। ठीक, डाल दो। डालीजिए, ये हमारा ड्राई कटोरी बन चुका है। अब इसका जो हमारा अलग प्रोसेस है, सिर्फ इसको अपने स्वाद अनुसार फ्लेवरिंग करनी है और पैकिंग करनी है। जैसे कि हमारा कटोरी बना था, अब हम इसकी फ्लेवरिंग करेंगे। तो ये हमारा मसाला मिक्सर मशीन होती है जिसमें हम अपना फ्लेवरिंग करना है। तो ये इस बैच को हम इसमें डालेंगे और अपना फ्लेवरिंग करेंगे। बिल्कुल। तो ये हमने हमारा जो बैच बना था कटोरी का, करीब हमारा ये 7 से 8 किलो का बैच है जिसमें हम अपना फ्लेवरिंग करेंगे। जैसा कि अभी हमने आप दिखाया है, ये हमारा जो बैच है, सॉरी ये 5 केजी का बैच है। ठीक है। और एक हमारा जो इसमें मसाला डलता है 10% के हिसाब से डलता है। अगर 10 किलो का बैच होगा तो हमारा 1 किलो मसाला डलेगा, यानी कि ये 5 केजी है तो 5 केजी के हिसाब से हमारा 500 ग्राम मसाला डलेगा। तो 500 ग्राम मसाला हम इसमें आपको डाल के दिखाएंगे और इसकी फ्लेवरिंग करेंगे। ये सारा कुछ अगर आप मेजरमेंट करके करते हो तो हमारी क्वालिटी बरकरार रहती है और हर बार सेम बनती है। दिखाएंगे तो यहाँ हम इसको बकेट में भर के और हॉपर में डालेंगे, उसके बाद हमारा पैकिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये हमने हॉपर में माल डाल दिया है और जितने ग्राम हमको पैक करना होता है, हमारी यहाँ पर एक कटोरी लगी हुई होती है और कटोरी के बाद हमारा ऑटोमेटिक पैक होना शुरू हो जाएगा। अब हमको सिर्फ इस मशीन को चालू कर देना है और हमारा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। आप ये देख सकते हो इस तरीके से हमारा ये पैकिंग होना शुरू हो गया है। इसमें आप जितने का लड्डी बनाओगे, 10 का, 12 का, 20 का, ऑटोमेटिक आपका लड्डी बनेगा। यहाँ पर आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा, यहाँ पर आप सर दिखाइए, पाउच के ऊपर MRP नेट वेट ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होके आ रही है। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में 5 रुपए MRP 20 ग्राम में हमारा पैक होता है। यहाँ पर हर पाउच पे 20 ग्राम आपको पैक होता हुआ दिखेगा। ये सारी जो है ये मशीन कर रही है। हाँ, ये हमारी इसको बोलते हैं रिवन हॉट कोडिंग मशीन, जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और 1 टाइम इन्वेस्ट में हमारी मशीन लग जाती है। और यहाँ पर रोल से सीधा हमारा, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक वजन हो रहा है और वजन होने के बाद सीधा हमारे यहाँ पाउच पर माल गिर रहा है और सीधा हमारा लड़िया बनना शुरू हो रहा है। इसको बोलते हैं हमारा पैकिंग मशीन, जो कि फाइनल प्रोडक्शन होता है हमारा। सर बात करूं तो जैसे प्रोडक्शन कितना कर देती है मशीनें? इस मशीन की जो क्षमता है सर, ये 1 घंटे में आपका 2000 पैकेट बनाएगी और हैवी आइटम 10 से 250 ग्राम पैक करती है। लेकिन ये जो स्नैक्स आइटम होते हैं आप देख सकते हो, ये मैक्सिमम 50-60 ग्राम ही ये पैक कर पाती है। तो 5 रुपए 10 रुपए की MRP में ये स्नैक्स आइटम ज्यादा चलती है, तो ये दोनों ही पैक कर देगी आपका। इस तरीके से देखिए पूरा पाउच बन गया है। आप देख सकते हो ये सर की अपनी खुद की ब्रांड है रामजी के नाम से, और रामजी के नाम से ये 5 रुपए की MRP में हमारा प्रोडक्ट पैक हो रहा है। चाउमीन का रैपर है और चाउमीन ही हमारा इसमें पैक हो रहा है। फिनिशिंग देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कटिंग वगैरह देख सकते हैं, एकदम बराबर कर रखा है मशीन। बिल्कुल, आप इसको फाड़ोगे तो आपका ऑटोमेटिक फट जाएगा जी।
अभी जो मेरा ये पैक हुआ था, मैं एक पाउच में आपको खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा पैक हुआ था ये माल। ये मैंने अपना पैकेट खोला है और इसको मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो, ये मेरा चाउमीन पैक हुआ था इसमें। क्या बात है, ये आप देखिए, ये चाउमीन मेरा पैक हुआ था, वही आपको पैक होकर बहुत ही शानदार, बहुत ही खाने में बहुत ही लाजवाब होती है, क्वालिटी बेहतरीन। देखिए आप लोगों को इस तरीके से प्रोडक्ट चाहे पैकिंग, हर चीज आप लोगों को एक नंबर की यहाँ पे मिलने वाली है, देख सकते हैं। पाउच में एयर भरने के लिए हमारा नाइट्रोजन सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि खाने पीने के जो प्रोडक्ट है उसमें नाइट्रोजन का भरना कंपलसरी है, वरना प्रोडक्ट हमारा खराब हो जाता है। खराब हो जाएगा। नाइट्रोजन एयर भरने के बाद हमारा 4 महीने तक प्रोडक्ट वैलिड हो जाता है, यानी कि 4 महीने तक हमारा प्रोडक्ट चलता है। और इस मशीन के हमें जो लास्ट मशीन की जरूरत पड़ती है वो हमारी, ये आप देख सकते हो, ये है एयर कंप्रेसर मशीन। इस मशीन की जरूरत पड़ेगी तभी हमारा पैकिंग मशीन काम करती है। ओके, तो लास्ट मशीन हमारी ये है जो आपकी कंप्रेसर मशीन होती है। ठीक बात है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, तो उम्मीद करता हूँ ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको वीडियो में ऑलरेडी मिल चुकी है। बाकी कुछ आपको समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और बात करें प्राइस के बारे में, तो जो आपने सेटअप देखा है पूरा का पूरा, ये है हमारा मात्र 2.5 लाख रुपए का, जिसमें आपको गैस भट्टी हमारी ये मिलेगी। बाकी इससे बड़े प्रोडक्शन में भी आप करना चाहते तो हमारे पास गैस फ्रायर भी है, स्टील में, और आपका इलेक्ट्रिक फ्रायर भी है। तो जैसा भी आप करना चाहते हो, एक बार हमसे जुड़ करके उस मशीन्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।